निषेध के बाद भी सरकारी विभाग गंगा तट के किनारे डाल रहे हैं पन्नी और पॉलिथीन। आग लगाकर गलती छुपाने का कर रहे हैं प्रयास। ये यहाँ पर ये आग लग गई है और यहाँ पर धुआं इतना हो रहा है कि आप यहाँ से झूसे पुल से आप देख सकते हैं। हम वहीं से भाग कर आए हैं और यहाँ पर देखिए आप कितना कचड़ा गिरा हुआ है। और यहाँ से 300 मीटर दूर पे ही गंगा जी हैं। हेलो, किसमें लगी है, क्या चीज़ है? ये प्लास्टिक है और पन्नी है। और कचड़ा किस चीज़ का है यहाँ पे? ये जो 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 ये सब रबड़ के प्लास्टिक के कचड़े हैं ये सब। हाईकोर्ट तो कहता है कि यहाँ नहीं रहना चाहिए गंगा जी के किनारे, फिर भी पड़ा है सब। हाँ, अब ये अधिकारियों कर्मचारियों के वजह से ऐसा हो रहा है, जो लापरवाह कर्मचारी है। यहाँ पे मतलब कचड़ा पड़ा है गंगा जी किनारे, कोई पूछने वाला नहीं। क्या कचड़ा बहुत है यहाँ? हाँ, यहाँ पर कचड़ा बहुत ज्यादा है, ये गंगा से ही लगा हुआ देख लीजिए आप। और इतना ज्यादा कचरा है कि कुछ कहने की बात नहीं। कचरे में क्या चीज है खास? ये पन्नी है और प्लास्टिक है। प्लास्टिक है। हाँ। और कोई इसको हटाने वाला नहीं है? कोई नहीं। ये नगर निगम और जल संस्थान की गाड़ियाँ बड़ी बड़ी ट्रकों पर लाद कर लाते हैं और इसमें बहुत सारे पाइप प्लास्टिक के हैं, कचड़े हैं, पन्नियाँ हैं। और प्राइवेट जो नर्सिंग होम है वहाँ से भी कचरा निकलता है, उसमें बहुत सारे पन्नियाँ रहती हैं, सब ला के यहीं जलाते हैं। और शहर में जो एजेंसियां हैं बड़ी बड़ी, उनके जो एक्सपायर्ड मैगी या कुछ और सामान आइटम होते हैं पन्नी वाले, वो भी यहीं ला के जलाते हैं। और नगर निगम की जो ये नगर निगम के जो और गाड़ियां होती हैं, जो टॉयलेट साफ करने वाली ये सब आती हैं, वो भी यहीं मटेरियल ला के गिराते हैं। तो सब प्लास्टिक जल रहा है मतलब? अभी तो ये प्लास्टिक जला रहे हैं नगर, ये प्लास्टिक है। और जबकि ये गंगा के जस्ट सटा हुआ एरिया है, लगभग 200 मीटर दूरी पर है यहाँ से। आप अगर पीछे देंगे तो वो सारे जो मेले के जो सड़क वगैरह बन रही दिख रही है, जस्ट यहाँ से 200 मीटर दूरी पे है। तो अधिकारी कोई रोकता नहीं? अधिकारी आते हैं, सड़क सड़क जाते हैं, पीछे ध्यान नहीं देते हैं कि पीछे कितना कचरा बचा हुआ है। और सरकारी गाड़ियाँ यहाँ गिरा रही है? सरकारी गाड़ियाँ यहाँ गिराती हैं और अदर प्राइवेट भी आते हैं, गिरा के जाते हैं। ज़्यादातर सरकारी गाड़ी आती है। हाईकोर्ट का रोक है, इसके बाद भी गिरा? हाँ, इसके बाद भी। बगल में बस्ती है जी, हाईकोर्ट का रोक? हाईकोर्ट का तो आदेश है कि गंगा किनारे कोई प्रदूषण ना फैलाया जाए, पन्नी रोक है, सब कुछ है, तब भी सरकारी गाड़ी यहाँ के यहाँ ढेर सारे कचरा पन्नी वगैरह उसमें बहुत कुछ ऐसे रहते हैं जो यहाँ गिरा जाते हैं।